नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण स्वागत करता हूं आपको हमारे TIG के हेल्थ केयर के चैनल पे। हम हमेशा आपके पास आते हैं बालों की समस्याओं को लेके और उसका समाधान बताते हैं। समस्या इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जब तक हम समस्याओं पे बात नहीं करेंगे तो समाधान नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने बाल टूटने, झड़ने, डैंड्रफ, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे जो बाल चले गए उनको वापस कैसे लेके आए, और क्या लोगों के सिर पे दोबारा बाल आ सकते हैं। लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है कि जो बाल गए वो आते नहीं, वो दोबारा आ ही नहीं सकते, तो लोग उसको अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, विग लगवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं। कि कितना सही है सर, आज हमारे साथ फिर से विशाल सर हैं, विशाल सर हमें बताएंगे ये कितना सही है ट्रांसप्लांट की ओर भागना, या मन से ये होप खत्म कर देना कि मेरे बाल दोबारा आ ही नहीं सकते हैं, क्या सच में बाल नहीं आते। नमस्ते दोस्तों, सवाल लक्ष्मी नारायण जी ने जो पूछा है कि वापस बाल आते हैं या नहीं आते हैं, ये पहले भी हम लोग इसका जवाब कई बार दे चुके हैं सर। कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कमेंट भी आते हैं। पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दो अलग अलग तरीके होते हैं। फीमेल्स के बाल ज़्यादा गिरते हैं, पर गंजा आदमी ही क्यों होता है, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि फीमेल्स की एक साइकिल होती है, उस साइकिल से DHT डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसके लिए मेडिकल फर्टिलिटी उसको जिम्मेदार मानती है कि उसकी वजह से आदमी गंजा होता है या बाल गिरते हैं, तो फीमेल्स में वो रिलीज हो जाता है और मेल्स में रिलीज नहीं हो पाता। हर मंथली साइकिल के साथ फीमेल्स उसको रिलीज कर देते हैं, तो इस वजह से आदमी गंजा होता है। अब जहाँ तक सवाल आपका है कि दोबारा बाल आते हैं या नहीं आते हैं, तो दोबारा बिल्कुल बाल आते हैं। मैंने अपनी पिक्चर्स भी आप लोगों को पहले भी शेयर किए हैं, और आप पिछले वीडियोज़ के मुकाबले अब मेरे बाल देखेंगे तो और बढ़े हुए दिख रहे होंगे आपको, तो बाल बिल्कुल आते हैं, समय लगता है। जैसे अमूमन बाल जाने में अगर 20 साल लगते हैं, तो बाल आने में भी 1 से 1.5-2 साल लगते हैं। कुछ लोग कमेंट में सर क्या लिखते हैं कि हमने 1 महीना यूज किया, 1.5 महीना यूज किया, हमारे बाल नहीं आए, हमारे को फर्क नहीं दिख रहा है, तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या उनको 1 महीने 1.5 महीने में फर्क दिख जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। बालों की मोटाई, बालों का वॉल्यूम, ये बढ़ जाएगा 1 से 1.5 महीने में, ठीक है, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आप ये जो बातें कहते हैं, आप बालों 1 से 1.5 लाख बाल हमारे सिर पे होते हैं, हमें एकाएक कैसे पता लग जाएगा उग रहे हैं या नहीं उग रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं या कितने ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं। पहले के प्रोडक्ट, पहले की कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स लोगों ने यूज़ किया और रिजल्ट नहीं आए, उसी भ्रांति को लेकर आगे चलते हैं कि नहीं इससे भी नहीं आएंगे। मतलब लोगों को अपनी धारणा बदलनी होगी और उसमें टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी मुझे छोड़िए, आप खुद कितने लोगों के बाल आते हुए देख चुके हैं? सर मैं पिछले लगभग 1.5 साल से। और अगर नहीं देखे तो बोलिए नहीं देखे मैंने। नहीं, मैंने देखे हैं सर। जब आप नहीं देखेंगे तो मैं हो सकता है और इम्प्रूव करके प्रोडक्ट। बिल्कुल हमने देखे हैं, लोगों को रिजल्ट आता हुआ देखा है, लोग खुद अपनी टेस्टिमोनी बना के हमारे को सेंड करते हैं। मेरे और आपके कहने से ये चीज प्रूव नहीं हो जाएगी, लेकिन जो हमारे यूजर्स जो इसको यूज कर रहे हैं, भारत के हर एक कोने पे हमारे यूजर बैठे हुए हैं, वो इनको यूज कर रहे हैं, वो हमारी अपनी टेस्टिमोनी भेजते हैं कि सर ये मेरा बिफोर का है, ये मेरा आफ्टर है। हम उनसे खुश है सर, हम आपके इन प्रोडक्ट्स को लेके हम लोगों को बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, हमारे जो अभी तक के यूजर्स हैं वो सेटिस्फाइड है। हम चाहते हैं आप भी इसको यूज करें और यूज करके आप भी सेटिस्फाइड हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं जो सही तरीका नहीं पता होता है, या लोग एक टाइम के बाद फेड अप होकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, करत करत अभ्यास जड़मुती हो तो सुजान रस्सिया वत जात है, सिल पर परत निशान। तो इन्हीं चीजों को आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसमें आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी पड़ेगी, आपको उस पर लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने लगाया और भाई की शादी में चले गए 10 दिन गांव तो मैंने वहां छोड़ दिया, इसमें कोई रिजल्ट में फर्क आएगा? जैसे कि मैंने बिल्कुल फर्क, मैं अभी यहां हूं, मैं भी 10 दिन किसी होटल में चला गया, गोवा चला गया घूमने, मैं अपना सीरम कैरी नहीं करूंगा, मुझे वहां तो घूमना है बीच साइड पे, नहीं तो फर्क पड़ेगा? इससे रिजल्ट्स में फर्क आएगा, रिजल्ट्स उतना ही लंबा समय बढ़ता जाएगा। तो इसका जैसे ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की गोलियां आप खाते हैं, तो कहा जाता है, डॉक्टर आपको कहता है इतने महीने आपको लगातार खाना है, गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि डॉट्स देते हैं वो टीबी की बीमारी में, तो ये भी ऐसा ही है कि इसको भी लगातार आपको 1 साल तक लगाना ही लगाना है। और उसमें अगर आप 1-2 दिन का गैप करते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 15-15 दिन का गैप करके आप लगाएंगे
और एक ही बॉटल आप हमसे खरीदेंगे और तीन तीन महीना चलाएंगे और सोचेंगे रिजल्ट आ जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट नहीं आएगा। इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, अनियमितता नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा समय देना है। अगर आप इसको एक ट्रीटमेंट, एक कोर्स की तरह लेके चलते हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिर्फ मजे के लिए इसको अगर ट्राई करने के तौर पर मंगाना चाहते हैं तो बेशक मत मंगाइए, आपको फायदा नहीं होगा। सर ये कहना चाहते हैं, सर कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो पूरे ट्रीटमेंट का जो साइकिल है उसको पूरा कीजिए, आपके 100% बाल आएंगे। सर कोई एज ग्रुप है कि मान लीजिए 30 साल हो गए, मेरे शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, अब मेरे दोबारा बाल नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। किस लोगों तक बाल आ सकते हैं? देखिए इसका फंक्शन क्या है, एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन फेस, ये तीन फेसेस कहे जाते हैं, जिसमें टेलोजेन फेस एक रिवर्सल फेस होता है जो 3 से 4 महीने चलता है, जिसमें बाल पतले भी होते हैं, बाल दोबारा उगाए भी नहीं जा सकते हैं। हम उसी फेस को रिवर्स करते हैं, हमारा मैकेनिज्म है उसी को रिवर्स करके आपको एनाजेन फेस, जो सबसे लंबा फेस होता है, उसमें लेके आना आपके बाल। क्या मैं आपके प्रोडक्ट को देख सकता हूँ सर एक बार? लोगों का एक सवाल होता है सर कि व्हाई टीआईजी हेयर ग्रोथ सीरम, इसमें अलग क्या है? क्योंकि ऐसा कोई हेयर ग्रोथ सीरम दूसरा मार्केट में है ही नहीं। कि इसमें ऐसा क्या खास है, लोग जानना चाहेंगे? इसमें मेरा एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, हर्बोसेल। हर्बोसेल, हर्बोसेल, वो हर्बोसेल मटके के अंदर हमने बनाया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई है, बिल्कुल बताया। मटके के अंदर, जमीन के अंदर सल्फर वाटर से चार्ज करके जड़ी बूटियों को उसके अंदर डाल के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, फिर उसके बाद 240 ppm कॉपर पेप्टाइड जो ट्रैवलर का काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्याज का रस होता है, प्याज का रस भी आपके बाल उगा सकता है, ठीक है? लेकिन प्याज का रस बहुत चल रहा है, प्याज का रस। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, प्याज का रस आपके बालों की जड़ों में जाएगा कैसे? सिंपल प्याज का रस आपकी जड़ों में नहीं जाएगा, ठीक है? उसके लिए आपको कुछ पेप्टाइड्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड, कुछ ट्रैवलर्स जो अंदर ट्रैवल करा दें आपके बालों के अंदर तक लेके जाएं, जड़ों तक लेके जाएं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होते हैं, तभी ये कॉम्बिनेशन हिट होते हैं, तभी ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, ठीक है? जिनसिंग है, जिनसिंग से भी बाल आते हैं, अदरक का रस है उससे भी बाल आते हैं, बट ये सिर्फ अदरक का रस रगड़ने से बाल कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अंदर जाएगा कैसे? बिल्कुल, आज आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि व्हाई टीआईजी हेयर ग्रोथ सीरम, क्यों इसी को यूज करना है, क्यों इससे आपके बाल आएंगे और कैसे इसके बाल आएंगे। अच्छा सर एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, जो युवा खास करके जिसकी शादी नहीं हुई है और ड्यू टू एनी रीजन उनके हेयर लॉस हो चुके हैं, 30%, 40%, 60%, या फिर मेल यहाँ सामने से उनके हेयर लाइन रिड्यूस कर गई या क्राउन हेयर कम हो गए हैं, वो ट्रांसप्लांट की ओर देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रांसप्लांट करवाना उचित है या ये उनको एक बार हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूंगा ट्रांसप्लांट बिल्कुल कराना चाहिए, पीआरपी भी कराना चाहिए, लेकिन बाल तो फिर भी अल्टीमेटली उगाएगा यही हेयर सीरम आपका। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी 50% ट्रांसप्लांट फेलियर होते हैं, 40% ट्रांसप्लांट फेलियर होते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर ट्रांसप्लांट आपने करा लिया है या पीआरपी आपने कराया है, तो भी यही हेयर सीरम आपको, जो ग्रोथ आपको 6 महीने में आनी है वो 1.5 महीने में दिखाई देगी। ग्रोथ तो पीआरपी के बाद और ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर भी आपको सीरम लिख के देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ठीक है? और वो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्ट आता है जिसको देते हैं, जो सेमी स्टेरॉइड होता है, जो लगभग हर कंपनी यूज कर रही है, पर उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, पर इस सीरम का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि 100% हर्बल है ये। मतलब आप लाख लाख रुपए ट्रांसप्लांटेशन में खर्च करते हैं, अदर चीजों पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर ये कहना चाहते हैं कि आप इसको यूज कीजिए, इसको यूज करने के बाद आपको जरूरत अगर पड़ती भी है ट्रांसप्लांटेशन की तो भी आपको ये बेनिफिशियल होगा, उस स्टेरॉइड में नहीं जाना पड़ेगा, उन दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा जो आपके लिए खतरनाक है, हानिकारक है। लक्ष्मी नारायण जी, हम 3 महीने में बाल नहीं उगा सकते, नहीं उगा सकते। अब किसी की शादी 3 महीने बाद है तो हम उसको कैसे कह देंगे? और ट्रांसप्लांट भी नहीं उगा, ट्रांसप्लांट भी 3 महीने बाद नहीं उगा, ट्रांसप्लांट भी नहीं उगाता है, पीआरपी भी नहीं उगाता, और हम भी नहीं उगाते, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं जो मैंने आज तक तो नहीं देखा। अगर वो 1 से 1.5 साल वेट कर सकते हैं तब तो वो इसको यूज करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ट्रांसप्लांट करा लें, और ट्रांसप्लांट करा करके फिर आप इस प्रोडक्ट को यूज करें, तो इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, और हम तो ट्रांसप्लांट में डॉक्टर्स को बेचते ही है ये प्रोडक्ट, बहुत बिकता है हमारा ट्रांसप्लांट में। आप ये जो प्रोडक्ट है, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट जो सीरम देते हैं वो टीआईजी का? मैं आपको एक काम और करके देता हूं कि टीआईजी का हेयर ग्रोथ सीरम मैं आपको डॉक्टर से इंडोर्स करा के आपको डॉक्टर्स के वीडियोस दे देता हूं, जो लोग लगातार कई सालों से यूज कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 सालों से, और हजारों हजार की तादाद में वो लगातार ले रहे हैं हमसे, हम उन्हीं से आपको इंडोर्स करा देते हैं, वो ही आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे आगे से,
ताकि वो वीडियो देख के लोगों को और भरोसा हो जाए। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या होता है ना, जब डॉक्टर किसी चीज को बताते हैं तो लोगों को उसमें भरोसा हो ही जाता है। आज आप देखिए देश में केमिस्ट, केमिस्ट जो ब्रांड डिमांड होती है वही बेचता है, बिल्कुल बेचता है। पर बहुत सारे ऐसे केमिस्ट हैं जो आज की डेट में TIG का हेयर सीरम बेच रहे हैं, TIG का एंटी हेयर फॉल, और सबसे ज्यादा TIG का डैंड्रफ शैम्पू बेच रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स वाले हमें डायरेक्ट फोन करते हैं। आप मोहित पहल जी से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि हजारों की तादाद में ऑल इंडिया से पार्लर्स वाले हमसे डायरेक्ट खरीद रहे हैं माल, क्योंकि आज तक वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए थे। इसको देख के जो रिजल्ट उनको मिले ना, उससे उत्साहित होके वो हमसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। और आपके क्षेत्र में भी कोई पार्लर वाला, कोई केमिस्ट अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहे या इस तरीके की कोई भी चीज चाहे, हमसे वो पहले प्रोडक्ट मंगा के ट्राइड और टेस्ट कर ले, रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो जरूर इसकी मार्केटिंग करिए, इसको बेचिए अपनी दुकानों से, अपने केमिस्ट के शॉप से। मैं आपको ऐसे बड़े पार्लर हाउसेस भी बता सकता हूँ जिनके बड़े अच्छे रेट्स हैं जिनके, और महंगे पार्लर वाले हैं, आज वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को अपने आप ही यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, जब अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, अगर प्रोडक्ट काम करेगा जिस चीज के लिए बना गया है, तो कोई भी इसको यूज करने से कतराएगा नहीं, चाहे वो बड़े ब्रांड ही क्यों ना हो या फिर बड़े आप जैसे बता रहे थे ब्यूटी पार्लर क्यों ना हो, अगर उनको रिजल्ट आ रहा है, उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे थे, जाहिर सी बात है इसको यूज करेंगे। तो जैसे कि आपने सर से सुना कि क्यों TIG का हेयर ग्रोथ सीरम आपको यूज करना चाहिए, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, मैं तो आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हिंदुस्तान के लगभग आप समझ लीजिए 300-350 पार्लर से हम लोगों को ये मैसेज आया है कि आप पार्लर में यूज करने की किट बनाइए, अपने हेयर के इसी को पार्लर की किट बनाइए, ताकि जैसे हम लोगों को फेशियल करते हैं अपने आप बुला करके, वैसे हम लोगों के बाल खुद उगाएं, लोगों को वहां पे हम डर्मा रोलर चला के, डर्मा रोलर होता है एक विधि होती है, मीजो एक विधि होती है, नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के थ्रू, टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू हम इससे लोगों के बाल उगा सकते हैं। तो आज की डेट में तो लोग हमारे पीछे हैं कि भाई आप TIG का भी हमें ये प्रोडक्ट बना के दीजिए, ऐसा कुछ प्लान बना के दीजिए, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल, आप देखिए अगले, जहां तक पार्लर्स का सवाल है, बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, काफी बड़ी इंडस्ट्री है, और बिल्कुल हम उसमें जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, और हो सकता है हम मई के मिड तक ये किटें निकाल के मार्केट में देना स्टार्ट कर दें। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, लगभग 2,500 किटों का एडवांस ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जब किट लॉन्च होने से पहले 2,500 का ऑर्डर सर के पास ऑलरेडी है। बाकी सर, इसको यूज करने के एग्जैक्ट सही तरीका क्या है, विधि क्या है सर? देखिए, ये कई बार क्या होता है कि जब आप आदमी को सही जानकारी नहीं होती इसको यूज करने का, तो गलत तरीके से यूज करके उसको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये आपको एक बार में 1 ml लगाना है, मेजरमेंट करने के लिए लगाना है, मेजरमेंट करने के लिए कुछ देंगे आप? 3 pump लगाने हैं आपको, मेजरमेंट इसके 3 pumps होते हैं, ठीक है? आप कहना चाहते हैं नॉर्मल 3 pump, अभी तीसरा पंप करिए, 3-2 पहले बार निकला नहीं, 3 pump आप लगाएंगे और उसको अपने हैंड से मसाज करेंगे, बिल्कुल बारीक हाथ। हाँ, लेकिन दिन में 3-4 करना है ये। अच्छा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो 3-4 करिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। तो 3-4 जिस आदमी को इसको कैरी करेगा, तो कोई चिपचिपाहट, कोई बदबू ऐसा तो नहीं? मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इसको सीरम ऑफिस पे लगा के बैठू, लोगों को मेरे से कुछ बदबू आया, ऐसा कुछ लोग जानना चाहते हैं? नहीं, इसमें किसी तरह की बदबू नहीं आएगी पहले तो। हाँ, चिपचिपाहट तो होगी तो बाल गिरेंगे गिरेंगे, तो 3-4 बाद ही आपको एकदम ड्राई लगेगा, आपके बालों में आपको लगेगा ही नहीं कुछ लगा। हाँ, बाल कड़े जरूर लगेंगे, आप कड़े लगेंगे, बाल थिक कड़े लगेंगे, क्योंकि इसमें कोई सिलिकॉन हमने नहीं डाला है, इसको सॉफ्ट करने वाला कोई भी ऐसा बाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने नहीं डाला जिससे इसके नुकसान हो, ये टोटल 100% मतलब ये पूर्णता, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्णता साइड इफेक्ट फ्री है, मतलब कोई साइड इफेक्ट इस पे नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, और आपको बालों का वॉल्यूमाइज और घनत्व, ये दोनों चीजें आपको विद इन 1 week से लेके 10 days के बीच में दिखाई देने लग जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इससे बहुत उत्साहित हैं आज की डेट। बिल्कुल है सर, ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग इसके बारे में बताते भी कि सर हमने ये। लक्ष्मी नारायण जी, आपकी इस जो कंपनी है TIG, आप पहल साहब से पूछिएगा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है, यही हेयर सीरम सबसे ज्यादा बिकता है, चूंकि बनाता मैं हूँ तो मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी बिकने में और प्रोडक्टों से कहीं ज्यादा है सीरम के साथ, जबकि ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है। बिल्कुल है सर, उसके बावजूद भी ये एंटी डैंड्रफ से दुगने रेट में है ये, पर उसके बावजूद भी महीने के हम ये 30-40 पीस बेच रहे हैं आज की डेट में। सीरम के साथ शैम्पू कौन सा रिकमेंड करेंगे, डैंड्रफ वालों के लिए कुछ अलग और हेयर फॉल वालों के लिए कुछ अलग? डैंड्रफ वालों के लिए डैंड्रफ और हेयर फॉल वालों के लिए हेयर फॉल।
मतलब अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, साथ ही आपके बाल टूट रहे हैं और दोबारा आप उनमें ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको डैंड्रफ शैम्पू साथ में एयरग्रोथ सीरम यूज करना चाहिए। अगर आपके बाल टूट रहे हैं और आपको डैंड्रफ की समस्या नहीं है, तो आप एंटी हेयरफॉल शैम्पू साथ में हेयर ग्रोथ सीरम आपको यूज करना चाहिए। बाकी इसके बारे में जो भी जानकारी आपको अगर कुछ विस्तार में चाहिए, तो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें इतनी जानकारी दी। और इसके आगे आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।